हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। क्या था? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसा कि पहला वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि मिरर क्या होता है, उसके नोमेनक्लेचर क्या क्या होते हैं, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है एंड ऑल दैट, इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये सब चीजें हमने कवर की थी। ठीक है, अब हमने क्या किया था, इमेज फॉर्मेशन भी देख लिया था कि कहां पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कहां पर बनेगा, और आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं आपको बोला था कि मैं आपको एक होमवर्क दूंगा करके, ठीक है, वो जो मैं देना भूल गया था, तो वो होमवर्क जो है अभी याद आ गया मेरे को। क्या करना है आपको, मैंने जितने भी 6 केसेस बताए किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, वो 6 कॉनकेव मिरर के 6 केसेस आप क्या करोगे, अपने कॉपी में एक पेज में जो है प्रॉपरली उसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, नीट एंड क्लीन। और उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप है जो ग्रुप बना हुआ है, या इंडिविजुअली, ठीक है, आप मेरे को सेंड करोगे, ठीक है, कि ये सर ये मैंने बनाया करके, और नीचे अपना नाम। ठीक है, 6 केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, हर बार का वहां से क्वेश्चन आता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन दिस बिटवीन बिटवीन दिस या प्लेस ऑन द दिस, ठीक है, तो इमेज कहां बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो होमवर्क जो है याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का डिजाइन करते हैं, ठीक है, डिजाइन करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमको बाइक के जो है बाइक में मिरर लगाना है, ठीक है, तो उस मिरर का हम लोग फोकल लेंथ कितना रखें, उसका अपर्चर कितना रखें, कितना दूर के वो ऑब्जेक्ट को जो है वो दिखाएगा, ठीक है, तो चाहे बाइक्स का हो, कार का हो, ट्रक का हो, किसी भी चीज का हो, ठीक है, मिरर का यूज तो हमको इमेज देखने के लिए करना है, तो कितना दूर का ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखेगा, कितना उसको हम लोग मैग्निफाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें जो है हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए जिस तरीके से मैथ्स में प्लस माइनस इनटू डिवाइड बोडमास रूल होते हैं, उसी तरीके से फिजिक्स में इस ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में हमको कुछ साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज अ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज द एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जो भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या है, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, जिसको जो ये क्या करता है, प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है ना, उसी की बात हो रही है। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से जो है इसको कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करोगे, और हमेशा ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाला, तो एक्स एक्सिस को हमेशा कैसा ट्रीट करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस को क्या लेना है, एक्स एक्सिस विल बी टेकन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया। चलो उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अगर ये मान लो वाई एक्सिस, अगर मान लो सपोज दैट हमारा मिरर है, वाई विल बी टेकन एज मिरर, साथ में एक और पॉइंट नोट कर लेना कि इस कोऑर्डिनेट में जो है वाई को हम लोग कैसा ट्रीट करेंगे मिरर, और एक्स को कैसा ट्रीट करेंगे एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखोगे, लेफ्ट ऑफ द मिरर, ये याद रखना। ठीक है, हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब क्या होगा, ये सेंटर है तो सेंटर का इधर जाएंगे तो राइट होगा, ठीक है, और इधर जाएंगे तो लेफ्ट होगा, तो हमेशा ऑब्जेक्ट इस रीजन में जो है होगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर मैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में बोलूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, दो चीज समझ में आ गया, एक्स एक्सिस विल बी प्रिंसिपल एक्सिस, वाई एक्सिस विल बी मिरर, एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, ध्यान से समझना। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम पोल, मतलब कोई भी जो डिस्टेंस होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो उसको हम लोग हमेशा कहां से मेजर करेंगे, उसके पोल से, और इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग मैथ्स में बोलते हैं ओरिजिन, इसको यहां बोलेंगे हम लोग पोल। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है यहां पर रखा हुआ है ए बी, इसका डिस्टेंस क्या है, ये वाला इसका डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है कि नहीं, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये उसके पैरेलल, ठीक है, तो चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड हो, हमेशा जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा उसको आप कैसा करोगे, उसको हमेशा नापोगे कहां से, पोल से।
जैसे बोलोगे कि इसका डिस्टेंस एबी का डिस्टेंस पोल से कितना है, तो इसको नापोगे, मान लो आ गया 10 सेंटीमीटर, तो बोलोगे ऐसा 10 सेंटीमीटर पर दूर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट पोल से। इधर के लिए भी क्या करोगे, इसी पोल से नापोगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, ये पैरेलल वगैरह छोड़ दूं, तो जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप मेजर करोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर होगा, ठीक है, ये पोल। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। अब उसके बाद देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये दो टाइप का है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस है, एक राइट हैंड साइड का डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो पोल के राइट हैंड साइड में होगी, उसको हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और वो डिस्टेंस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस या पोल के लेफ्ट हैंड साइड में होगी, उसको हम लोग कैसा लेंगे, नेगेटिव। समझ में आ गया? जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स में करते हैं ना, ओरिजिन के इधर प्लस रहता है, प्लस एक्स, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। तो उसी को आपको याद रखना है कि पोल के राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको हमेशा पॉजिटिव, और पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस रहेगा इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान से समझते जाओ, अगर साइन कन्वेंशन ध्यान से समझ गए ना, तो यहां से 4 नंबर का न्यूमेरिकल्स भी आता है, ठीक है। 4 नंबर का मिरर का न्यूमेरिकल आएगा या फिर लेंस का आएगा, तो वो चीज समझ सकते हो। तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। ये तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर ली। अब अगर हम लोग बात करें इसकी वर्टिकल की, ठीक है, तो वर्टिकल में भी तो हाइट हो सकता है, उसको कैसे नापेंगे। तो देखो वर्टिकल को कैसे नापेंगे हम लोग, ये मान लो अगेन मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो अगर कोई डिस्टेंस या कोई हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये जो हाइट जो आप नापोगे ना, इस हाइट को क्या लोगे, पॉजिटिव। जैसे ऊपर जाने वाले वाई एक्सिस को पॉजिटिव लेते हो ना, तो बिल्कुल, तो जो परपेंडिकुलर हाइट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला वो पॉजिटिव होगा, और परपेंडिकुलर हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, वर्टिकल में ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, जैसा आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हो वैसा ही है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है, देखो एफ पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। जैसे मैंने यहां पर आपके लिए बता दिया, देखो अगर ये एक कार्टेशियन सिस्टम है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये देखो ये अगर एक्स एक्सिस है, इसको अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ट्रीट करें, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और वाई एक्सिस हमारा क्या है, मिरर है, ठीक है। तो इधर वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पॉजिटिव, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव, वर्टिकल जो हाइट होगा वो पॉजिटिव, देखो मैंने लिख दिया है, और नीचे का वर्टिकल हाइट क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, क्लियर हो गया। ये है साइन कन्वेंशन, इसको अपने माइंड में एज अ मैप की तरह याद रख लेना, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव करके, ठीक है। चल अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला, और इसी के बेसिस पर आपको क्या मिलेगा, अभी हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर के डिजाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमको क्या चाहिए, कि मिरर का फोकल लेंथ चाहिए, कितना फोकल लेंथ का मैं बताऊं, कहां पर इमेज बनेगा, कहां पर ऑब्जेक्ट को रखूं, तो उसके लिए जो है साइंटिस्ट ने क्या क्या, एक जो है फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। और उसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, द मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट एंड द फोकल लेंथ। मतलब तीन चीजों का रिलेशन है, किसका किसका, डिस्टेंस ऑफ इमेज का, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का, और मिरर के फोकल लेंथ का, ठीक है। इन तीनों में जो रिलेशन बताता है, ऐसे फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो 1/F = 1/U + 1/V, ये याद रखना, ठीक है। अब यहां पर एफ क्या है, तो देखो मैंने साइड यहां नीचे लिख दिया है कि एफ जो है वो क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है, एफ क्या है, फोकल लेंथ। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ये याद रखना, हमेशा डिस्टेंस कहां से लोगे, इमेज का और ऑब्जेक्ट का, पोल से। और वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, दोनों डिस्टेंस आप हमेशा कहां से कंसिडर करोगे, पोल से जो है कंसिडर करोगे, ठीक है। अच्छा अब फोकल लेंथ को थोड़ा सा और देख लेते हैं, कि फोकल लेंथ किसके लिए पॉजिटिव होता है और किसके लिए जो है नेगेटिव होता है। तो मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, कान नाक आंख ध्यान से अच्छे से खोल के ध्यान से सुनना, इन चीजों को रटने की कोशिश नहीं करना, ठीक है।
अगर रटने की कोशिश किए तो एक न्यूमेरिकल में मैंने चेंजेस कर दिया तो आप वहां पर गुम जाओगे और वहां पर चार नंबर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दान करके आ जाओगे जो कि आप ला सकते थे। ठीक है, यही चीज गलती होती है कि हम लोग पढ़ते हैं लेकिन याद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कब फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ठीक है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि एफ जो होता है वो आर का हाफ होता है या आर इज इक्वल टू होता है 2f। तो जैसा साइन एफ का होगा वैसा ही साइन किसका होगा, आर का होगा। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और एफ मतलब फोकल लेंथ। ये स्मॉल एफ है ना, इसको फोकस मत समझना है, ये कैपिटल एफ नहीं है, स्मॉल एफ है। कॉनकेव मिरर का डिजाइन कैसा था, कॉनकेव मिरर था ये, ठीक है, कॉनकेव मिरर में ये पोल था। अब हमेशा इमेज कहां रहेगा, लेफ्ट में रहेगा तो पक्का, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो है कॉनकेव सरफेस, इसका स्फीयर तो इधर होगा, ये अपना स्फीयर जो है ऐसा है, अपने ये स्फीयर का ऐसा मतलब ये जो है पहले ऐसा स्फीयर रहा होगा, इतना को काटे हैं यही वाला तो पोर्शन ये जाके बना है ना, मतलब इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर कहाँ है, इस साइड है, और ये पोल के लेफ्ट में है कि राइट में, तो पोल के लेफ्ट में है, और पोल के लेफ्ट के सारे डिस्टेंस कैसे होते हैं, माइनस। तो इसके लिए मतलब कॉनकेव के लिए जो रेडियस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। जैसे आपको बोल दिया कि अ कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो जब आप न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करोगे तो उसको 10 ना लिख कर क्या रखोगे, -10। याद रखना अभी दो न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो इधर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो एफ और आर तो एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आर नेगेटिव है इसका मतलब कॉनकेव के लिए एफ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ गया, तो ये नेगेटिव किसके लिए है, कॉनकेव के लिए। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं थोड़ा सा कॉन्वेक्स के बारे में। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है और जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो इनसाइड होता है। तो ये पहले कैसा रहा होगा, एक ऐसा स्फीयर रहा होगा, इसको यहां से काटे होंगे तो ये वाला जो पोर्शन बना वो ये इधर गया, तो ये अपना स्फीयर कहां कंप्लीट करेगा, इधर करेगा, तो इसका सेंटर कहां होगा, राइट हैंड साइड में होगा, और ये उसका पोल है इसका क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स का। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के राइट हैंड साइड में क्या है, पोल है कि नहीं, तो ये क्या है? मतलब पोल बोलता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं, ये पोल है और ये सेंटर है उसका, तो सेंटर कहां है, राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड के डिस्टेंस क्या लेने हैं, याद करो पॉजिटिव। ठीक है, सो आर विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, अगर आर पॉजिटिव है तो एफ भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हमने क्या नाम दिया था, कॉनकेव या फिर कन्वर्जिंग, इसको हमने क्या दिया था, कॉन्वेक्स एंड डाइवर्जिंग। समझ में आ गया, तो ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। न्यूमेरिकल में आपको प्लस माइनस नहीं देगा, वहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा कि एक कॉन्वेक्स लेंस है या एक डाइवर्जिंग है या एक कन्वर्जिंग है जिसका फोकल लेंथ 20 है। अब आपको खुद का दिमाग यूज करके जो है क्या करना है, वहां पर प्लस और माइनस लगाना है, वहां पर मैं बताने नहीं आऊंगा। ठीक है, कि केवीसी चल रहा है, आप मेरे को फोन करोगे, लाइफलाइन लेना है 50-50, सर मैं ये कंफ्यूज हो गया या कंफ्यूज हो गई कि कॉनकेव में प्लस रखते हैं कि माइनस रखते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा पॉसिबल भी हो गया तो फोन से निकल कर ही गाल में जो है खींच के मारूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गई ये चीज, चलो प्लस हो गया माइनस हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो मैग्निफिकेशन का मतलब समझते हो, मैग्निफाई करना। अब मैग्निफाई करने का मतलब क्या होता है, उस चीज को बड़ा करना। ठीक है, इसी चीज को क्या करना, कितना बड़ा हो रहा है वो या कितना छोटा हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। तो कई बार आप ऐसे मिरर देखे होंगे जिसमें छोटा सा चीज क्या होता है, बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, जैसे अगर आप गौर किए होंगे, ठीक है, अगर आप एटीएम गए होंगे तो एटीएम का जहां पर स्क्रीन लगा होता है, ये मान लो एटीएम का स्क्रीन है, इसके ऊपर में ऐसा एक सॉलिड लगा रहता है, यहां पर देखे होंगे कि एक स्टील का चमकता हुआ रहता है। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो अगर कभी भी एटीएम जाओगे ना किसी के साथ, मम्मी या पापा के साथ या खुद जाओगे, तो इस पे जरा फोकस करना। ठीक है, इसमें जब आप खड़े होते हैं तो आपका चेहरा छोटा नहीं दिखता, आपका चेहरा क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। ठीक है, तो चेहरा बड़ा दिखता है तो ये कौन से टाइप का है, मैग्निफाइड हो गया। ठीक है, और चेहरा बड़ा कौन दिखाता है, ठीक है, अभी हम लोग पहचानने का तरीका भी देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा इमेज जो है क्या करता है, बड़ा इमेज दिखाता है और कौन सा जो है छोटा दिखाता है, जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो इसमें आपको इमेज क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा।
कुछ ऐसे होती हैं जिसमें आप इतना बड़ा बहुत बड़ा साइज रहता है आपका, लेकिन वो क्या करता है, बहुत छोटा दिखाता है। ठीक है, तो इन्हीं को कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज, उसको बोलते हैं कंपैरिजन को मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम लोग स्मॉल एम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर मैं हाइट ऑफ इमेज को एच डैश ले लूं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर एच ले लूं, तो ये फॉर्मूला हो गया। साथ ही साथ इसी का एक और फॉर्मूला होता है, वी अपॉन में यू होता है। ठीक है, क्या होता है, वी अपॉन में यू। और इस वी अपॉन यू में जो है क्या होता है, कहीं पर नेगेटिव आता है, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, अभी बता नहीं रहा हूं कि कहां प्लस आएगा कहां माइनस आएगा, न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तो मैं वहां बताऊंगा। ठीक है, ये हो सकता है प्लस भी हो सकता है ये रेशियो, या फिर ये रेशियो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, एक तो हाइट के टर्म्स में और दूसरा इमेज के टर्म्स में, मतलब डिस्टेंस के टर्म्स में। चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे क्वेश्चन ही गायब हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन जो है, अगर आपके पास बुक होगा तो ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। ठीक है, और अगर नहीं है तो 1 मिनट में इसको लिख देता हूँ क्वेश्चन जो है। ठीक, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। हाँ तो क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, आप साथ ही साथ जो है अगर कॉपी बना रहे हो तो कॉपी में, या अगर आपने पीडीएफ का प्रिंटआउट निकलवा लिया है तो उसी में जगह होगा वहां पर लिख लेना। क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। ठीक है, वापिस से, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज। एक और बार मैं धीरे धीरे पढ़ देता हूं। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलो अब ये जो दिया है मैंने कॉपी में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको जो है अभी के लिए हाइड करो, और यहां पर लाइव हम लोग क्या, मतलब मैं यहां पर जो है आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इस चैप्टर को समझने में, और आप लोग सोशल को भी अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो बता सकते हो। ठीक है, एक दिन जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि एक दिन लाइव क्लास का मजा भी लेते हैं। ठीक है, कब तक जो है मैं यहाँ रिकॉर्डिंग करते रहूंगा और आप लोग जो है क्या करते रहोगे, उसको देखते रहोगे। ठीक है, मैं यहाँ ग्राफिक्स में बैठ कर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा फील नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बच्चे मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। सो कोशिश करते हैं एक दिन जो है, किसी दिन जब आप लोग फ्री हो गया, सबके पास टाइम होगा, तो एक दिन जो है लाइव क्लास जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल पढ़ना हो तो सोशल पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ना हो तो मैथ्स पढ़ेंगे, और साइंस पढ़ना होगा तो साइंस पढ़ेंगे। एक दिन लाइव क्लास जो है रखेंगे, आप लोग डिसाइड करके बता देना एक दिन कि सर हम लोग इस दिन रहेंगे करके। ठीक है, वो कैसे करना है लाइव क्लास मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब सेंटेंस के कुछ वर्ड्स पर फोकस करना, पहला इंपॉर्टेंट हमारे लिए आ गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर मतलब क्या क्या चीजें अब ध्यान में आ गया होगा। ठीक है,
रियर व्यू के लिए यूज किया गया कहां पर? एक ऑटोमोबाइल पर। ऑटोमोबाइल मतलब बाइक, कार, ट्रक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और रेडियस ऑफ 3 मीटर। तो सबसे पहले देखो, किसी भी चीज को सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सबसे पहले गिवन दैट, ठीक है, रेडियस, रेडियस कितना दिया है हमको, 3 मीटर। अब इसके सामने प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अब रटना नहीं, तो अपने माइंड में याद रखो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब ऐसा, इसका रेडियस अंदर मतलब पॉजिटिव, तो इसका रेडियस क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, इफ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर के फ्रंट में क्या रखा हुआ है, 5 मीटर डिस्टेंस पर जो है क्या रखा हुआ है, एक बस है। फ्रंट में मतलब इमेज हमेशा कहां रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां पर क्या है, बस है। और यहां से पोल तक का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक के डिस्टेंस के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, यू। तो यू के लिए यहां पर हम लोग यूज किए 10 सेंटीमीटर। और यू के लिए माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ठीक है, सोचो लेफ्ट हैंड साइड में है, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी डिस्टेंस हो, चाहे वो कॉनके हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑलवेज नेगेटिव। तो ये हो गया -10। फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजिशन, पोजिशन मतलब किसका, इमेज का। नेचर, नेचर में हमने पढ़ा था कि वो डिमिनिश्ड होगा कि इनलार्ज होगा, मतलब मैग्निफिकेशन बोल रहा है, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज, वो जो इमेज जो बनेगा उसका हाइट बताओ। देखो पहले तो कहां बनेगा ये बताओ, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा ये बताओ, और जो इमेज बनने वाला है उसका कंपेयर करो, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के हाइट से ज्यादा बड़ा होगा, लार्ज होगा कि डिमिनिश्ड होगा, ये हमको बताना है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए है मिरर फॉर्मूला, लेकिन मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1/A = 1/U + 1/B, ठीक है, क्या होता है, B होता है, ठीक है। तो देखो U नहीं, U तो हमको पता है, चलो F पता है क्या, नहीं पता है, V पता है क्या, नहीं पता है। तो जब 3 अननोन क्वांटिटी है किसी इक्वेशन में, और 3 में से अगर एक पता है तो 2 तो नहीं निकाल सकते, तो कम से कम एक और क्वांटिटी हमको पता होनी चाहिए, तब 2 क्वांटिटी पता होगी, तब एक अननोन क्वांटिटी क्या होगा, निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई तीसरी दूसरी क्वांटिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो याद करो हमने रेडियस और उसके बीच में रिलेशन पढ़ा था, किसके किसके बीच में, फोकस के बीच में, और वो रिलेशन क्या था, जो रेडियस जो होता है वो फोकस का डबल होता है, या रेडियस जो होता है इसका हाफ होता है। तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R/2। तो R कितना है, 3/2, तो 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 3/2 सेंटीमीटर। मिल गया एक और क्वांटिटी, ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, F, कंजस्टेड तो नहीं हो रहा है, ठीक है, F = 3/2 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, एफ के जगह कितना आएगा, 3/2, यू के जगह कितना आएगा, यू की वैल्यू कितनी है, -10, तो यहां कितना आएगा, -10, ठीक है। वी के जगह कितना है, अब वी तो हमको चाहिए ना भाई, यहां देखो ना पोजिशन कहां पर बन रहा है भाई, इमेज कितना दूर पूछ रहा है, तो वी की वैल्यू तो हमको चाहिए, तो वी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, वी ही रखेंगे। अच्छा, गिवन दैट के बाजू में यहां पर लिख लेना V = प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सॉल्यूशन को इधर मत देखना, मैं बता रहा हूं, ठीक है, सॉल्यूशन भले ही मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अभी फोकस जो है इधर होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, ये जो 1/3/2 है, ये 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, A/B/C है, तो ए और सी तो मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 2 × 1 = 2/3, तो ये उल्टा होकर क्या हो गया, 2/3, ठीक है, और ये -1/10 + 1/V, ठीक। चलो अब v चाहिए, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। अरे मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, 10 दिया है क्या, अरे u तो 5 है ना, मैं 10 कैसे कर दिया, ठीक है, अरे क्या हो गया, चलो ठीक है, 5 है ना, 5 है, 5 है। आप लोग बोल रहे हो कि सर कैसे लिख रहे हो, यहां तो 5 दिया है, यहां 10 लिख रहे हो करके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक, चलो ठीक है। अब ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2/3 + 1/5 = 1/V, ठीक है।
दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 15 और 5 टू जा 10 और ये 3 वन जा 3, सो 1 अपॉन वी। अब 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 10 और 3 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है, 13 अपॉन में 15, 13 नहीं 13 होता है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले 13 बोलते हैं। चलो अब अगर हमको 1 अपॉन वी की वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना, ये तो 1 अपॉन वी की वैल्यू है, हमको वी चाहिए, तो वी चाहिए तो दोनों का क्या करें, व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, सो इट विल बिकम 15 अपॉन 13 इज इक्वल टू वी, इज इक्वल टू वी। तो आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हो, नहीं तो यहां पर लिख देना हेंस, मतलब पोजिशन विल बी 15/13 सेंटीमीटर करके, ठीक है। ये हो गया हमारा एक पार्ट, समझ में आया। अब दूसरे पार्ट में क्या बोला था, देखो क्वेश्चन के नेचर बताओ, ठीक है। अब नेचर कैसे बताएंगे हम लोग, देखो तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन और नेचर, नेचर कैसे बताएंगे, कैसे बन रहा है, देखो ये जो मैग्निफिकेशन है ये कहां बन रहा है, वी की वैल्यू कैसे आ रही है, वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वी की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज कहां बन रहा है, राइट हैंड साइड में बिहाइंड द मिरर, ठीक है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 अपॉन 13 फ्रॉम द पोल, ठीक है, पोल से इतना दूर पर जो है राइट हैंड साइड में इमेज बन रहा है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। अब हम लोग निकालते हैं मैग्निफिकेशन, क्योंकि वहीं से हमको हाइट पता चलेगा, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और वी अपॉन में यू। अब याद करो मैंने बोला था कि यहां पर प्लस आएगा और एक जगह माइनस आएगा, ठीक है, तो देखो अब प्लस और माइनस कैसे निकालोगे, तो देखो ये तीनों ही फॉर्मूले आपस में इक्वल है, तो आप चाहो तो फर्स्ट और सेकेंड रेशियो को ले सकते हो, सेकेंड एंड थर्ड को ले सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड को ले सकते हो, तो जो क्वांटिटीज आपको पता है उनको आप ले लेना, ठीक है, तो अभी आपको कौन सी क्वांटिटी पता है, वी और यू तो पता है ना, तो वी और यू को लेंगे, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन में यू। अब देखो वी, वी कहां बन रहा है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड मतलब ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, यू कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये क्या रहेगा, माइनस, ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, माइनस वी अपॉन में यू हुआ कि नहीं, वही चीज बोल रहा हूं मैं, रटना नहीं है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बस ये याद रखना कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डेस अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है, प्लस माइनस याद करोगे, ठीक है, रटोगे तो भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बस ये याद रखना कि वी, वी मतलब कॉन्वेक्स में कहां, पीछे, पीछे बन रहा है मतलब पॉजिटिव, इसीलिए रे डायग्राम मैंने याद करने बोला था, ठीक है, और यू कहां आता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यू लेफ्ट हैंड साइड में मतलब नेगेटिव, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस। अब v की वैल्यू कितनी आई थी, 15 अपॉन 13, जिसको फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट करने से कितना आ रहा है, 1.15, और u की वैल्यू कितनी दी थी, कितना दूर रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, और ऑलरेडी v के पास माइनस था, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, तो 1.15 अपॉन में जब 5 करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.23, मतलब मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी आई है। यहां देखो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, मतलब इमेज कैसा बना है, डिमिनिश्ड बना है, याद रखना जब m की वैल्यू जो है 1 से छोटी आती है तो डिमिनिश्ड, और m की वैल्यू जब 1 से बड़ी आएगी तो इनलार्ज, ठीक है, तो इमेज कैसा बन रहा होगा, छोटा, और ये तो प्रैक्टिकली देखते हो, जब आप बाइक्स वगैरह में जाते हो पापा के साथ मम्मी के साथ, तो पीछे के ट्रक्स वगैरह जो होते हैं क्या दिखते हैं, ट्रक तो हाथी जैसा होता है लेकिन दिखता कितना, चींटी के बराबर दिखता है कि नहीं, तो ये मिरर की स्पेशलिटी है, वो बड़ा इमेज को क्या कर देता है, छोटा कर रहा है। ये चीज समझ में आई आपको यहाँ पे, ठीक है, चलो न्यूमेरिकल अगर समझ में नहीं आया तो एक और बार वीडियो पॉज करके रिप्ले करके देखो, ठीक है, और इसके बाद भी डाउट रहता है तो मेरे को मैसेज करो। चलो अगला क्वेश्चन के लिए मैंने आंसर जानबूझ के नहीं दिया, ठीक है, ताकि हम लोग सॉल्व कर सके करके, ठीक है, चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं रीड कर देता हूं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर, साइज मतलब उसकी हाइट, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक हमारे लिए काम का चीज ये है, दूसरा काम का चीज ये है, ठीक है,
ऑफ फोकल लेंथ, ये तीसरे काम का चीज निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अच्छा ऊपर वाले में देखो, मैंने आपको यहाँ पर एक सेंटेंस बताना भूल गया, आप यहाँ पर लास्ट में ऐसा एक सेंटेंस लिखोगे कि द इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है, तो ये इसका नेचर होगा वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। और साइज कैसा होगा? स्मॉल साइज विथ मैग्निफिकेशन 2, ऐसा लिखोगे। वर्चुअल है तो वर्चुअल, रियल है तो रियल, उल्टा है तो उल्टा और सीधा है तो सीधा। इरेक्टेड के लिए इरेक्टेड होता है सीधा के लिए, उल्टा के लिए क्या वर्ड यूज होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे बनेगा तो इन्वर्टेड है वो। चलो क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा या देखा होगा, चलो इसमें हम लोग लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन दैट, देखो हमको क्या दिया है, हाइट ऑफ इमेज दिया है, कितना साइज का है? 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इज प्लेस्ड एट ए 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब इमेज मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के फ्रंट में, कितना दूर पर? 25 सेंटीमीटर दूर पर, इंग्लिश मीडियम वाले हो 25, ठीक है। और ये फ्रंट में रखा है, फ्रंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब याद रखो ना कॉनकेव मिरर ऐसा है तो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। अब वीडियो पॉज करो और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा दिमाग लगाओ, ठीक है, लगा लिए होगे दिमाग, तो ये होगा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, इसका सेंटर इधर होगा, अगर इसका सेंटर इधर होगा तो इसका फोकल लेंथ भी इधर ही होगा और लेफ्ट हैंड के सब डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और अगर आपने पॉजिटिव सोचा था तो मैं बोलूंगा कि ध्यान से पढ़ो बेटा, टेंथ में आ गए हो, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, फ्रॉम द मिरर यहां पर पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अगर इसका इमेज हमको निकालना है या इसका इमेज हमको फॉर्म करवाना है कहीं पर, तो ये पूछ रहा है कि वो लोकेशन कौन सा होगा जिस लोकेशन पर हम लोग स्क्रीन को रखेंगे, मतलब ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है इमेज का लोकेशन, जहां पर इमेज बनेगा वही तो स्क्रीन रखोगे ना, तो ये इनडायरेक्टली आपसे घुमाकर पूछ रहा है, चेक करना चाहता है कि आप गुम तो नहीं जाओगे इस क्वेश्चन में, वो पूछना चाहता है आपसे। वी और कुछ है क्या? नेचर बताना है रियल होगा कि वर्चुअल, साइज बताना है कितने हाइट का होगा और उस हाइट ऑफ द इमेज बताना है। चलो अगेन यहां पर आप लिखोगे, वी नो दैट, ठीक है, मिरर फॉर्मूला याद करो क्या था, 1/f = 1/u + 1/v, क्या सारे गिवन डेटा अवेलेबल है? f पता है, बिल्कुल पता है, u पता है, बिल्कुल पता है, v तो हमको चाहिए, तो देखो 1/-15, ठीक है। उसके बाद u, u की वैल्यू कितनी है? 1/-25 + 1/v, ठीक है। चलो जगह खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास जगह है, नहीं होगा तो ढूंढ के लेके आएंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये जो -25 है, मतलब ये माइनस तो ऊपर चले जाएगा, तो ये माइनस जब इधर आएगा राइट हैंड साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास क्या होगा? देखो -1/15, और वो माइनस इधर आके क्या हो गया? +1/25, तो ये माइनस है, नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, और इज इक्वल टू 1/v। अब 25 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, सो 15 2 30, 30 2 60, 60 2 120, अरे एलसीएम कितना होता है 25 और 15 का, 25 × 100 15 × 90 नहीं आ रहा है, 15 × 10 = 150, 150 आएगा, ठीक है, एलसीएम विल बी 150, तो 150 यहाँ आ जाएगा -10 और 25 × 100 25 × 25 26, ठीक है, अगेन इंग्लिश मीडियम, ठीक। सो -10 + 6 कितना हो गया? -4/150 = 1/v, ठीक है, समझ में आया ये। चलो अब उसके बाद आगे देखते हैं, तो हमको तो वी चाहिए, तो वी चाहिए तो क्या करोगे, इसका उल्टा करोगे कि नहीं? तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा, मतलब 150 ऊपर चले जाएगा और -4 नीचे आ जाएगा, ठीक है,
इज इक्वल टू बी। और जब इसको सॉल्व करोगे 150 बाई 4 तो 40 मतलब 35 4 गुणे 8 37 37.5 माइनस 37.5 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस कितना आया माइनस 37.5। तो आप क्या लिखोगे हेंस द स्क्रीन बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5। माइनस आया है वी की वैल्यू माइनस आई है तो माइनस कहां रखोगे स्क्रीन को बिहाइंड द मिरर रखोगे कि इन फ्रंट ऑफ रखोगे तो माइनस है ना तो माइनस राइट हैंड साइड में थोड़ी होता है माइनस प्लस होता है ठीक है माइनस कहां होता है इधर होता है तो स्क्रीन कहां रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में ही रखोगे स्क्रीन ठीक है। पिछले वाले केस में वी प्लस आया था इसीलिए हमने बोला था बिहाइंड द मिरर अभी वी की वैल्यू माइनस आई है और रे डायग्राम में आपने देखा होगा कि सिर्फ एक केस को छोड़कर सारे केस में इमेज कहां बनता है लेफ्ट हैंड साइड में ही बनता है इसीलिए ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा और स्क्रीन जो है इधर रखेंगे। तो पहला आंसर तो हमको मिल गया। दूसरा हमको क्या चाहिए उसका हाइट चाहिए पूछा है कि नहीं नेचर तो हमको पता चल गया नेचर कैसा है नेचर अभी मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा उसके बाद साइज ऑफ इमेज निकालेंगे। तो अगला यहां पर छोटा सा जगह है देख लेना मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन में यू एच डेस अपॉन में एच भी होता है लेकिन एच डेस तो नहीं पता है। अब देखो V कहां बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में मतलब नेगेटिव U कैसा है वो भी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया कैंसल तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई V अपॉन में U। अब देखो M इज इक्वल टू V V की वैल्यू कितनी आई है माइनस 37 आया है कि नहीं ठीक है तो V के जगह हम लोग कितना रख देंगे माइनस 37.5 और U के जगह कितना रखेंगे U हमको कितना दिया है माइनस 25 तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेना 37.5 डिवाइडेड बाय दिस वो कितना आएगा तो वो हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा ठीक है। अब अगर मैग्निफिकेशन हो गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे देखो अब निकालेंगे एच डेस अपॉन एज क्योंकि हमको हाइट ऑफ इमेज भी तो चाहिए तो एच डेस चाहिए तो एच डेस इज इक्वल टू भी एम होता है तो एम तो यहां से पता चल चुका है और एज तो ऑलरेडी पता है तो एज की वैल्यू कितनी आई थी 4 तो जो भी आएगा इसमें उसको क्या करना 4 का जो है मल्टीप्लाई कर देना तो वहां पर जो है आपको क्या मिल जाएगा हाइट ऑफ जो है क्या था हाँ हाइट ऑफ इमेज जो है आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया ये क्लियर हो गया चलो कि यहां पर आप कंफ्यूज थोड़ी हो गए बी की वैल्यू इमेज कहां बन रही है लेफ्ट हैंड साइड में यू भी कहां रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों वैल्यू के सामने क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और यह तो हो गया। अब इसमें देखो इसका भी तो साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा तो एच डेस इमेज कहां बन रहा है इमेज नीचे बन रहा है तो यहां पर एच क्या आएगा माइनस और ऑब्जेक्ट कहां है ऊपर मतलब ये प्लस तो इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा उसको क्या करोगे ये हाइट है हाइट से मल्टीप्लाई करोगे और ये माइनस इधर जाएगा तो आपका मैग्निफिकेशन किसमें आएगा नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया क्लियर है सॉल्व करना ये समझ लो कि होमवर्क भी है मैंने पूरा समझा दिया है बस आपको कंप्लीट करना है कैलकुलेशन इसके बाद भी अगर नहीं बनेगा तो मेरे को बताना ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज आपका जो भी आएगा उस हिसाब से देख लेना और माइनस आया है माइनस मतलब इमेज कहां बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नेचर में क्या लिखोगे इन्वर्टेड लिखोगे ठीक है और हमको तो डिस्टेंस पता चल गया 37.5 साइज ऑफ इमेज यहां पर एच डेस जब निकालोगे तो वहां से निकल जाएगा ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बता सकते हो ठीक है तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में ठीक है क्या होता है और कैसे इसके फिनोमिनास होते हैं उसको हम लोग देखेंगे ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाय बाय।